जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, अभी YouTube में मैंने एक वीडियो देखा जो हमारे ही सेना के रिटायर्ड साहब हैं, उन्होंने वीडियो डाला कि प्रीमेचर पर मिलेगा न्याय, कोर्ट का जबरदस्त फैसला, जवान के हक में, यानी घरेलू समस्या से वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको न्याय दे दिया। यहां हमारे जवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस तरह की न्यूज देखकर अगर आप कोर्ट की तरफ जाते हो, वहां वकीलों के पास जाकर 40-50 हजार रुपए फूंक दोगे तो वो आपका टोटल वेस्ट ऑफ मनी होगा। इस तरह के एफटी के किसी भी एडवाइजरी पर ये सेना के अधिकारी कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं। और इसमें साफ साफ जो बंदा कोर्ट गया था, ये मेरे पास भी कम से कम 10 दिन पहले मेरे पास आया था और बंदे ने कहा था कि सर इस पे वीडियो डाल दो, देखो कोर्ट में न्याय मिला फलाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें साफ साफ है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा है। और मैं आपको बता दूं साफ साफ कि कोर्ट इस चीज पर कुछ भी कहे, ये जो सेना का डिसीजन ये फाइनल रहेगा। इस चीज में सेना के जो कानून बने हुए हैं, सेना का खुद का जो आर्मी एक्ट है, उसमें एएफटी तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है। एडवाइजरी आपको पता है, कुछ दिन पहले ही सेना अध्यक्ष ने एडवाइजरी जारी करी है कि कुत्ते नहीं घुमाएंगे, जवान ट्रे नहीं घुमाएंगे। इस तरह की 20 एडवाइजरी जब सेना अध्यक्ष की एडवाइजरी यूनिट के सीओ नहीं मान रहे, तो एएफटी का एडवाइजरी मानेंगे ये लोग? आपके दिमाग में, हमारे साहब से भी कहना चाहता हूं कि आपके पास आया किसी वकील ने, किसने भेजा, आप उसको बल्ले बल्ले करके डाल देते हो, तो प्लीज थोड़ा सा जो टाइटल लिखते हो उसमें कहीं ना कहीं यह तो स्पष्ट लिखा करो। फालतू में अगर कुछ जवान वहां पहुंच गए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं, रोज बोलते हैं कि सर डिस्चार्ज कब खुल रहे हैं, सर जल्दी बताओ, हमारे तो ये समस्या होगी। एक जवान ने तो हवलदार ने कहा था कि सर मैं भाग जाऊं तो मेरे को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं आपको बताता हूं जल्दी डिस्चार्ज खुलने वाले हैं, इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, वीडियो में सारी चीज बताऊंगा। आशा करूंगा कि वीडियो देखें और पूरा शेयर करें। एक बार फिर मैं हमारे जो साहब लोग हैं जो वीडियो डालते हैं, उन चीजों में कोई भी आता है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें ताकि जवान भ्रमित ना हो। वकीलों का हमारे पास भी आता है कि ये डाल दो, ये फैसला आया, जिससे कि जवान देखेगा और वो उनकी तरफ खींचा चला जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि इस तरह की सिर्फ और सिर्फ ये एक इस फैसले पर विचार करने के लिए सेना को कहा गया है, ये कोर्ट का आर्डर नहीं है, ये एक एडवाइजरी होता है, एक सलाह होती है, जो मानना नहीं मानना वो इनके हाथ में है। सेना का आपको सबको पता है खुद का कानून है, और वो कहीं ना कहीं जाकर अगर बदली होगा तो सुप्रीम कोर्ट में। एएफटी का तो भूल ही जाओ आप, हाई कोर्ट तक के निर्णय को ये सुनते नहीं है। यहां जैसा मैंने बताया, आप सबको बताया कि सेना अध्यक्ष की भी एडवाइजरी लेटर जारी हुए हैं, क्या इसके बाद में आपके यूनिट में जवान कुत्ता नहीं घुमा रहे हैं, क्या सेवादार नहीं जा रहे हैं? आर्मी एक्ट के मुताबिक तो सिर्फ कर्नल एंड अबव को एक एक वड्डी लागू है, लेकिन कोई 4 लेके बैठा है तो कोई 10 लेके बैठा है। भैया वकीलों से लूटने के लिए बचो, अननेसेसरी छोटे छोटे काम में। मेरे पास पता नहीं रोज फोन आते हैं, सर वकील का नंबर दे दो, मेरे को ये करना है। हम खुद उसको घंटा आधा घंटा समझा के उसकी जो समस्या है उसको हम गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ मारपीट हुई है, तो उसका प्रावधान क्या है? कोर्ट में भागने से न्याय नहीं मिलता हर चीज के लिए। वहां कोर्ट में पैसे फूंकोगे और फिर बोलोगे कि सर आज तो मेरा केस चलते हुए 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, वकील भी फोन नहीं उठाता है। और हम यहां फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि रविंदर सर ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे मांगे होंगे। हम सिर्फ हाँ चैनल के लिए जरूर कहते हैं कि भैया जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सहायक प्रथा की हो जिसको लेकर हम कोर्ट में गए, या ये अग्निवीर आया, या
पेंडिंग भर्ती वाले, इन सबके लिए हमने जब जरूर कहा कि भाई हाँ ठीक है आप हमारी मदद करोगे तो हम इनके लिए लड़ेंगे। लेकिन वहां जब हम नंबर दे देते हैं कि भाई चैनल की तन मन धन से मदद करो, तो वहां 100-500 रुपए महीना या 6 महीने में देने में भी 50 वर्ष सोचेंगे, और वहां चटक बनकर वकील को एक ही बार 40-50 चढ़ा देंगे, 40-50 हजार दे देंगे, और फिर बोलेंगे सर मेरा तो प्रीमेचर भी नहीं हुआ और वकील ने ले लिया। तो स्पष्ट कहता हूं ऐसी चीजों से दूर रहें, ना ही तो अगर भाग के चले जाओगे कि मैं 4-5 महीना लेट हो जाऊंगा तो भैया कई दिनों के लिए तनख्वाह बंद हो जाएगी, और तब भी वापिस आओगे तो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, वैसे जाओगे तो फिर पेंशन के लिए कोर्ट का चक्कर मारोगे और कई दिनों तक चक्कर ही घूमते रह जाओगे। आपको स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले तो आज फिर जब वही बात आती है कि चैनल के तन मन धन की, तो जो भी चाहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी सही कर रहा है हम उनके साथ हैं, तो ये मेरा हमेशा की तरह नंबर है 82-90-35-45-13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप जितना आपसे हो सकता है कि आप मैं इतनी सी छोटी सी मदद करना चाहूंगा तो इस नंबर के जरिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर कहता हूं कि वीडियो देखकर शेयर जरूर कर दो, हो सकता है आप नहीं कोई दूसरा भाई मदद करेगा। इस फोन पे और पेटीएम के अलावा ये मेरा बारकोड है, आप इस बारकोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि गूगल पे हमारा बंद है, इसके नंबर कर सकते हो। और यही मेरा व्हाट्सएप पेमेंट भी मैंने शुरू की है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी इसी नंबर से पेमेंट कर सकते हो। इनके अलावा ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600, आईएफसी कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप चाहो तो किसी माध्यम से मदद कर सकते हो, नहीं चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। आप पेमेंट से मदद नहीं करना चाहते तो चैनल से लोगों को जोड़ सकते हो कि भाई हाँ सर मैं आर्थिक मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं चैनल के जरिए आपकी मदद करूंगा, तो लोगों को चैनल से जोड़ो। तन मन धन, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो चैनल से भी नहीं जोड़ सकता, मैं आपके साथ धन भी नहीं दे सकता, तो चुनाव में जहां हम लड़ेंगे वहां आकर मैदान में या वोट देकर हमारा सपोर्ट करें और लोगों को प्रेरित करें कि भाई वो वोट दें, ताकि हमारी गिनती गिनी जाए कि इतने लोग इन चीजों से सहमत है। क्योंकि बाकी तो आपको पता ही, अंदर भी रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना है, रविंद्र फौजी से बात नहीं करना है, तो वहां बंधे हुए हो आप, लेकिन आपको वोट से कोई वंचित नहीं कर सकता, आप जिसको चाहो वोट दे सकते हो। तो वो आपकी वोटों की गिनती कम से कम ये तय करेगी कि हाँ रविंद्र फौजी की बातों से कितने सहमत हैं, कितने दबे हुए हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। दूसरी बात, जो मैं डिस्चार्ज के लिए बता रहा था कि ये किसी भी एंगल से जाके वकीलों के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको सीधा और साफ फौज धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी कम कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है 1 लाख सेना पहले कम हुई है और आगे भी फौज कम कर रहे हैं। इन्होंने जैसे फौज कम का आदेश आया है, डिस्चार्ज ये आपके इसमें इसी साल में अप्रैल के बाद में, इन चुनावों के बाद में डिस्चार्ज की आपकी दवा के लेने लगी, जिसको जाना है किसी को रोका नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ देश को और देश की जनता को चूतिया बनाना था मोदी जी ने, कि अग्निवीर ले आए और जनता को दिखा दिया कि पहले एक आदमी 15 साल करता था, उसी को 4 हिस्से में कर दो, 4, 4, 12, 16, मतलब 4 आदमी एक की जगह नौकरी कर लेंगे और चारों बाहर हो जाएंगे। देश की जनता ने भी वो सिविलियनों जनता ने भी सोचा कि वहां तो फौजियों के बच्चों को भी मौका मिलता है, हमारे तो जाएंगे नहीं, 4 बार में कम से कम हमारे बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता चला कि कितनी भर्ती आ रही है, आपके आसपास पहले कितने लोग भर्ती होते थे, आज कितने हो रहे हैं, ये देखो पहले धरातल में क्या हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट को या जो आईटी सेल बीजेपी की दिखा रही है, अगर उसी को देखकर चलोगे तो ये चीजें मुश्किल है। अगर मोदी जी सच्चे और ईमानदार हैं तो क्लियरली जो ग्राउंड में दिखाई दे रहा है उस चीज के बारे में बताएं। ये जो सहायक पर था, इनके रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम इनको बंद नहीं करेंगे, आज भी जवान कोई ब्रिटिश काल की तरह, वो उनका ब्रिटिश अधिकारी का पहले जूता पॉलिश होता था, उसके कुत्ते घुमाए जाते थे, उनके बच्चे बीवियों की सेवा होती थी, जो कि आज ब्रिटिश आर्मी में नहीं है, किसी भी देश की आर्मी में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 2-3 आर्मी में ये प्रथा चल रही है और वो चली रही है। तो इन चीजों के लिए कभी मोदी जी नहीं करेंगे। हमारे नेताओं की पेंशन है लेकिन
पैरामिलिट्री के जवानों की पेंशन नहीं है, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। तो हमारे मुद्दे ये हैं, अगर मोदी जी इनसे सहमत है तो हमें तो चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है, एक बार बुलाकर बड़े मंच पर बोल दो, हम लड़ना भी छोड़ देंगे, बोलना भी छोड़ देंगे। लेकिन आप खुद बोलो ना, आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी को पता नहीं, वो सब ठीक कर देंगे, उनके पास जादू की छड़ी है। तो मोदी जी बोले ना इन चीजों के बारे में, मोदी जी बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे। ये बच्चों की जो भर्तियां बेचारे कितने मेहनत करी, अगर इनकी आप भर्ती कंप्लीट करा देते, इनको ज्वाइनिंग दे देते तो क्या सेना चलती नहीं है, देश पर कुछ असर हो जाता। लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हुए हो, नहीं हम तो ये करेंगे। तो उन सब युवाओं को कहना चाहता हूं कि अब आपका भी फट जाए कि आप भी इनको अग्निवीर बनाओ।